गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स। प्रीवियस पीरियड में हमने फ्रैक्शंस के चारों चार मेथड के सम्स किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पहले हमको ये मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, फिर डिवीजन का मल्टी करके यहाँ रेसिप्रोकल, और फिर हमको कटिंग दिखानी है। ओके, तो हमारा फ्रैक्शन का टॉपिक ओवर हो गया था, तो अभी हम डेसिमल का टॉपिक ले रहे हैं। तो आप लोग सिक्स स्टैंडर्ड में डेसिमल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टॉपिक पढ़ चुके हो। सिक्स स्टैंडर्ड में आता था ना पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने का, प्लस माइनस, तो अब वो नहीं आएगा, अब आएगा मल्टी और डिवीजन का। तो पहले हम डेसिमल्स के लिए मल्टीप्लाई का टॉपिक ले लेते हैं। नंबर वन लिखो, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10, 0.47 मल्टीप्लाई बाय 100। करो स्टार्ट, चलो, तो रिवीजन हो रहा है, आना ही चाहिए। पॉइंट को रिमूव करके कटिंग कर देनी है। पॉइंट कौन सी प्लेस पर है वो देखना है, टेंस की, हंड्रेड की, थाउजेंड की, उस तरह से पॉइंट रिमूव करके हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। वर्कशीट में हो ही चुका है बहुत बार। यहाँ पॉइंट कौन सी प्लेस पर है, टेंस की, तो नीचे आएगा 10। 27/10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 को हम किसमें गिनेंगे, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में, नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं है, डिवीजन होगा तो लिखेंगे रेसिप्रोकल करने के लिए, ठीक है। 10 10 कट, तो आंसर आया 27। क्या नीचे वन नहीं लिखना है, नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 0.47 में डेसिमल कौन सी प्लेस पर है, 100 की, तो डिनोमिनेटर में आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 कट हो गए, तो आंसर आया 47। कर दो दोनों। जितना भी इधर हो ना उतना तो आगे जाना चाहिए अच्छे से, सबकी बात हो रही, देव तुझे अकेले को नहीं बोलता। कर दूँ ना, कर दो स्टार्ट। बाहर जाना है तुझे, जैसे इधर सब लिखो स्टार्ट कर ही देना है, आजू बाजू देखे भी ना। प्लेस पर है तो पॉइंट जब रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 कट। अब देखो, अगर डिनोमिनेटर में 0 वाला बचता है तो पॉइंट लगेगा, और ऊपर न्यूमरेटर में 0 बचता है तो वो पीछे मल्टीप्लाई की तरह लग जाएगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर में है ना, ऐसा है 37/10, तो आंसर आएगा 3.7। हमको ऐसे पॉइंट में बचा कर ही आंसर लिखना है। यहाँ पर पॉइंट 100 की प्लेस पर है, मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 0 कट। यहाँ पर 10 100 वोट एवर 0 वाला स्टेप न्यूमरेटर में है तो वो पीछे 0 मल्टीप्लाई में लग जाएगा, 4 7 3 0।
ये इसलिए दोनों अलग अलग मेथड के करवाए कि अगर नीचे 100,000 बचता है तो उसका पॉइंट लग जाता है, अगर डिनोमिनेटर में 100 बचते तो हम दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाते ना, और यहाँ जितने भी जीरो बचते हैं बाजू में न्यूमरेटर में तो वो पीछे एज अ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दो डिफरेंस है। हो गए सबके? नंबर 5 ये किया क्या भैया? लिखो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 8। टेन टेंस की प्लेस पर है। अब यहाँ कटिंग कर भी सकते हैं और पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं दोनों तरह से। 3 8 24 10 तो 2.8 भी लिख सकते हैं हम। 24 और ये एक तरह से भी कर सकते हैं और दूसरा कटिंग कर दे 4 5 तो 12/5 दोनों तरह से आंसर करेक्ट है। पर हम देख रहे थे कि आंसर हमको यहाँ पर पॉइंट में ही दिखा रहे हैं इसलिए ये रिड्यूस फॉर्म वाला नहीं करना है। ओके, ये पहले जो किया वैसे पॉइंट में ही आंसर देने हैं, रिड्यूस नहीं करना है। 15/10 मल्टीप्लाई बाय 7 105/10 तो 10.5। कटिंग नहीं करनी है, रिड्यूस फॉर्म में आंसर नहीं लाना है, ऐसे ही लाना है डेसिमल फॉर्म में। हो गए? मल्टीप्लाई 1.2 8/3 4.3 मल्टीप्लाई 1.8 स्टार्ट कर दो। सबके पॉइंट में ही आंसर देना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की तरह नहीं देना है क्योंकि तो फिर वो फ्रैक्शन वाला टॉपिक हो जाए ना। डेसिमल का नाम ही है कि क्वेश्चन भी डेसिमल में आंसर भी डेसिमल में, दोनों पॉइंट में आना चाहिए। थर्टी सिक्स अपॉन टेन मल्टीप्लाई ट्वेल्व अपॉन टेन ये दोनों का क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। फोर 32/100 आया, 10 × 100 तो आंसर आएगा 4.32। 100 है मतलब आफ्टर टू डिजिट हमको पॉइंट लगाने हैं।
कटिंग भी हो सकती है, पर कटिंग नहीं बताना है, याद रखना पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आए तो। बड़े बड़े मल्टीप्लाई है इसमें, है ना। थ्री फोर थ्री अपॉन टेन मल्टीप्लाई 18 अपॉन टेन, 343 मल्टीप्लाई बाई 18 करो। चलो बैठो, सबको कर लेना। ट्वेल्व अपॉन टेन मल्टीप्लाई 17 अपॉन टेन 204 करेक्ट 204 अपॉन 100 2.04 पता चल गया ना, मल्टीप्लाई डेसिमल वाला है। सिक्स कैंडल में प्लस माइनस वाले आते थे, सेवन में मल्टी डिवाइड। दीर्घ सम्स करो। जीरो नाइनटीन लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये दोनों का कर दो मल्टीप्लाई। क्या सबको मल्टीप्लाई कर देने दो। फोर थ्री सेवन आता है मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 1000, मतलब आफ्टर थ्री डिजिट हमको पॉइंट लगाने हैं। और ऑलरेडी थ्री डिजिट दिए हैं तो बोल बोल मत कर, पॉइंट लगा कर जीरो। 0.437 आ गया सबका। अब हम डिवीजन के सम स्टार्ट करेंगे, डेसिमल के डिवीजन इसी चैप्टर में। वन नंबर से जीरो पॉइंट 35 डिवाइडेड बाय 7 कर दो, इसमें कटिंग होगी। 0.225
डिवाइडेड बाय 5। अपनी बुक में देखो, बाजू बाजू में क्या देखना, एक दूसरे में देख देख कर थोड़ा करना है। पहले हम पॉइंट रिमूव कर देंगे तो इधर क्या आएगा 35/100, और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 7 नीचे चला जाएगा, 1/7। 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/7। अब हम कटिंग करेंगे इधर, क्योंकि 107 + 700 तो 700 का थोड़ा पॉइंट लगता है, 10,000 तो एक पॉइंट लगता है, 7/5/100। ओके, इतना रहा 0.05 आंसर। अब कटिंग ज़्यादा नहीं दिखानी, ठीक है, तो 1/20 आ सकता है ना, पर हमको तो वो कौन सा हो गया, अगर मैं इसको 1/20 लिखूँ तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। हमारा टॉपिक डेसिमल का है, इसलिए आप देख रहे हैं डेसिमल के सारे आंसर डेसिमल में ही दिए होंगे। यहाँ पर पॉइंट कौन सी प्लेस पर है, 1000 की प्लेस पर, तो डिनोमिनेटर में 1000 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 5 का रेसिप्रोकल 1/5, कटिंग करेंगे कितने 5 × 225, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25। अब क्या रहा 45/1000, तो आंसर आएगा 3 0s, मतलब आफ्टर 3 digit वी हैव टू पुट पॉइंट। 2 digit थे, 3 digit करने के लिए हमने यहाँ पर 0 लगा दिया, तो 0.045 थर्ड नंबर हो गया सबका। सेकंड नंबर कंप्लीट, अंदर अंदर बातें नहीं कर दीजिए, ध्यान दे, थर्ड नंबर लिखो। यहाँ पर दोनों पॉइंट वाले हैं, तो पहले हम दोनों के पॉइंट रिमूव कर दे, बाद में रेसिप्रोकल करेंगे। 205/10 डिवाइडेड बाय 5/10। अब रेसिप्रोकल करेंगे 5/10, आगे ध्यान, 5/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10/5। ये आगे के स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा, 10/5, 10, 10, 5, 4 + 1 = आंसर आएगा 41, होल नंबर में आंसर आया है ना, 41 करेक्ट, होल नंबर में आंसर आ सकता है, पर फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डेसिमल में आ सकता है, होल नंबर में आ सकता है, पर फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा है। चलो फोन नंबर ट्राई करो,
यह पॉइंट कौन से प्लेस पर है? 100 की, तो डिनोमिनेटर में 100, और यहाँ भी 100 की प्लेस पर है। 225/100 मल्टीप्लाई 100/15, 100 कट हो गए, 15 जा 225 है ना, 15 का स्क्वायर होता है ना 225, तो आंसर आया 15 होल नंबर में आंसर आया, इसके ये भी होल नंबर में है। आगे देखकर बुक में ध्यान दो। क्या कहें, 13 कहाँ से आएगा? 15 का स्क्वायर देखो, 15 करेंगे ना, 15 1 15 15 5 75 2 1 2 2 5, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो यहाँ 225 है, तो 15 जा तो डिवाइड कर रही है, तो डिवीजन में देखे क्या मिस्टेक हो रही है। 15 1 15 16 17 18 19 20 21 22, तुम पर एक पूछ रहे हो, बोल बोल मत करो। 15 5 75 हो गया ना, ये पे कुछ मिस्टेक हो रही है। चलो अभी और दो दे देती हूँ। फाइव नंबर 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। सिक्स नंबर 5.5 डिवाइडेड बाय 1.1। इधर सम करने में ध्यान दो पीछे वाले। यहाँ पॉइंट कौन सी प्लेस पर है? टेंस की, और यहाँ 100 की, दो डिजिट है तो अब रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। जीरो जीरो कट, 765 को हम 15 से डिवाइड करें, 15 5 75 and 1 51 आया, 51, और बाजू में जीरो है तो क्या होगा उसको मल्टीप्लाई, 15 10 5 10, ये भी देखो होल नंबर में आंसर आया। ये तो बहुत इजी दिख ही रहा है। फाइव पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय 1.1 हो गया रोहित राज। सब में दोनों में पॉइंट कौन सी प्लेस पर है? टेंस की प्लेस पर, तो 55/10 मल्टीप्लाई 11/10। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10/11, 10 10 कट, 11 5 जा, तो आंसर आएगा 5 नंबर। ओके, तो हमने आज कौन से डेसिमल का टॉपिक लिया, जिसमें मल्टीप्लाई वाले और डिवीजन वाले सम्स की प्रैक्टिस की। अब इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम दिए हो तो भी हम कर सकते हैं ना सर? पूरा एक का भाव दिया हो, ज़्यादा का भाव ढूंढना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और उससे ऑपोजिट, ज़्यादा चीज़ का भाव दिया हो, एक का फाइंड करना हो तो डिवाइड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम आगे के लेसन का रिविज़न
स्टार्ट कर देंगे।